उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज यानी 6 जुलाई को 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें समाजवादी पार्टी के 6, बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 और कांग्रेस का 1 एमएलए रिटायर होंगे। आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार विधान परिषद में कांग्रेस शून्य हो जाएगी। आज भाजपा के भी 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन भाजपा के ये दोनों सदस्य दोबारा चुने जा सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आज तो पार्टी के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का भी कार्यकाल समाप्त होने से कांग्रेस परिषद में शून्य हो जाएगी। वहीं विधानसभा परिषद के सफर में पहली बार कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं होगा। यूपी कोटे से राज्यसभा में कांग्रेस पहले ही मुक्त हो चुकी। इस तरह यूपी से ना तो कोई सांसद और ना उच्च सदन में और ना ही विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य होगा। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में सदस्य संख्या के लिहाज से सबसे निचली स्थिति पे पहुंच गई है। आपको बता दें कि 113 साल में पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उसके एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का भी कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। वही कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे मोतीलाल नेहरू से शुरू हुआ ये सिलसिला उनकी 5वीं पीढ़ी के समय में खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।